हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। फाइन दोस्तों, एओसी ट्रेसमैन और फायरमैन के फिजिकल स्टार्ट हो गए दोस्तों। फाइनली बता दूँ कि ट्रेसमैन में 1600 मीटर की दौड़ हो रही है और पूरा 6 मिनट का टाइम मिल रहा है, और फायरमैन में 1600 मीटर की दौड़ में भी 6 मिनट का टाइम मिल रहा है। दोस्तों बता दूँ कि फायरमैन में रनिंग के बाद चेस्ट, हाइट, वेट और लॉन्ग जंप, हाई जंप और रस्सा भी चढ़ना होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं कि फायरमैन का फिजिकल चल रहा है, और फिजिकल के बाद ये 65 किलो का कट्टा उठा कर चल रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों ये 200 मीटर चलना है 100 सेकंड में। दोस्तों देख सकते हैं ये कट्टा खुद ही उठाना होगा, और दोस्तों अगर किसी का कट्टा गिर जाता है तो उसको खुद ही उठाना होगा, और टाइम पर वो नहीं पहुँचता तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों बता दूँ कि एक सेंटर पर कम से कम 300 लड़के पहुँच रहे हैं, और एंट्री गेट पर ही कम से कम 100 लड़कों को रिजेक्ट किया जा रहा है और बाहर भेज देते हैं। दोस्तों बता दूं कि एंट्री के लिए आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और असली मार्कशीट चेक की जा रही है। दोस्तों अगर तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसे बाहर कर रहे हैं, उसे एंट्री नहीं मिल रही है। दोस्तों एंट्री के बाद लड़कों को ग्राउंड में बैठा दिया जाता है, और 100-100 का ग्रुप बनाकर रनिंग के लिए रेडी करना कराते हैं। दोस्तों रनिंग 3 या 4 ग्रुप में कराते हैं। दोस्तों एक ग्रुप में 100 लड़कों का होता है, और पूरे 6 मिनट का टाइम मिल रहा है, चाहे वो ट्रेसमैन हो या फिर फायरमैन हो। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ लड़के बैठे हैं और उधर वेट उठा कर चल रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि कभी कभी किसी किसी सेंटर पर हेल्प भी मिलती है और किसी सेंटर पर नहीं मिलती है। दोस्तों फायरमैन में 65 किलो का कट्टा उठा कर खुद चलना है, और ट्रेसमैन में 50 किलो का। दोस्तों बता दूँ कि वजन उठाते में जल्दबाजी ना करें, बड़े आराम से उठाएं, क्योंकि 200 मीटर 100 सेकंड में चलना है। दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से भागते हैं, देख लीजिए। या जो भी कैंडिडेट अगली फिजिकल देखने आए वो देख के आए कि फिजिकल कैसे हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये भाई का कट्टा गिर गया है, उठा रहा है। दोस्तों बता दूँ कि जिनका कट्टा बीच में गिर जाता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इसलिए आप जल्दबाजी ना करें, आराम से फिजिकल दें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हम उसे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों देख सकते हैं फायरमैन में रस्सा होता है 10 मीटर का जो चढ़ना होता है। दोस्तों इसमें 3 चांस मिलते हैं, और लॉन्ग जंप और हाई जंप पर भी 3 चांस मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से रस्सा चढ़ना है। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं, पूरी हेल्प मिलेगी। दोस्तों देख सकते हैं रस्सा किस तरह से चढ़ना है। दोस्तों फायरमैन में 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 6 मिनट में मिलनी है, और ट्रेसमैन में 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसमें भी 6 मिनट का टाइम मिल रहा है। दोस्तों अलग अलग सेंटर पर अलग तरह से फिजिकल हो रहा है, कहीं रोड पर दौड़ हो रही है तो कहीं ग्राउंड में। दोस्तों देख सकते हैं रस्सा 10 मीटर का होता है जो कि चढ़ना होता है। दोस्तों अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, जिससे कि एओसी की वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों इस चैनल पर एओसी फिजिकल सेवेटी सभी जानकारी सबसे पहले मिलने वाली है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई डाउट है तो कमेंट करके या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई टेंशन ना ले, आराम से फिजिकल करें, और जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।